अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। मेरी कहानी तुमसे शुरू मांगे तू तो सांसें अपनी तुझको दूं सजन दीवानी दीवानी हो गई तेरी यार ये कैसे निकलेगा। तुम रहने दो, हम संभाल लेंगे हमारी बच्ची को। इरा इरा उठो ना, क्या हो गया? हमारी बच्ची को अच्छी खांसी थी। तेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही है? मीरा बेटा उठो। फिक्र मत करो छाया, कुछ नहीं होगा हमारी मीरा को। डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना, टेंशन में हो जाता है ऐसा। बेटा जाकर जरा देखो कहाँ है। इस वक्त उसे मीरा के पास होना चाहिए। हमें पता क्या लगता है, भाई को ना इससे भी ज्यादा जरूरी काम आ गया होगा, वरना आ जाते ना। इसलिए जाओ ना। चाय जी आप चिंता मत करिए। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दुल्हन को दूल्हा पसंद नहीं आया और बिचारी बेहोश हो गई। अरे खोपड़े खुल जाते भैया हमारी। क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्या हो गया? अवार्ड मिल गया हमें। क्या हो गया? बेहुदा सवाल पूछ रहा है। जिन लोगों के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल होते थे हम, जिनका मुंह खुलता था तो सिर्फ हमारी वाह वाही के लिए, आज बोलो हंस रहे हम पे, मजाक उड़ रहा है हमारा सामूहिक तौर पर, वो भी हमारे ही घर से हमारी ही दावत खाते हुए, और वो भी सिर्फ उस लड़की की वजह से। नमूना बना के रख दिया हमें एक पल में। कर भैया हुआ तो गलत जो भी हुआ आपके साथ, अरे हम खुद बहुत शर्मिंदा है। आपको पता है हम कितने लोगों को चुप करा के आ रहे हैं नीचे। अरे किस किस को चुप कराओगे तुम? हाँ कौन लड़की अपनी सगाई में बेहोश हो जाती है? हाँ क्या उसकी जबरदस्ती शादी हो रही है हमसे? हाँ या फिर खाना पीना नहीं खिलाया उसे यहाँ पे, तो फिर हो क्या रहा है? यह बात है तो देखो बहुत अजीब, मैं खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। अरे भाभी तो ऐसे डर गई आपका चेहरा देख के जैसे भूत देख लिया हो। इतना डरावने लगते हो भैया। हाँ नहीं, हमें तो ऐसा लगा था कि हम जेल से आए हैं तो पूरा घर सारा शहर हमें खून खूनी कहता नहीं थकता, तो सब लोग हमसे डरते होंगे। लेकिन यहां तो सपनों का राजकुमारी डरावना निकला। राजकुमारी अपने सफेद घोड़े वाले राजकुमार को देख के बेहोश हो। इतने खतरनाक तो नहीं हो भैया। क्या हो उसको पता चला?
ठीक आना जी, हमारी बच्ची को ठीक कर दो। मजाक उड़ा रहे हो हमारा? रुक जाइए भैया, रुक जाइए भैया। अरे भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा भैया, और देखिए तो किससे उलझ रहे हैं आप। शांत हो जाओ गदारी भी, हम मजाक कर रहे हैं, और तुम दोनों ना इसे तड़पो मत, अच्छा नहीं लगता। ये मजाक करने का वक्त है? यहाँ इतना बड़ा तमाशा हो गया है, हमारी होने वाली पत्नी वहां बेहोश पड़ी है और उसको मजाक सूझ रहा है। एक सेकंड, क्या कहा आपने? होने वाली पत्नी? नहीं मतलब वही होने वाली पत्नी ना, जिसके बेहोश होने पर उसके पास होने के बजाय अपना मुंह फुलाकर आप इस कमरे में चले आए, या वो होने वाली पत्नी जिसका साथ देने के बजाय आप इस कोप भवन में अपने टूटे हुए ईगो पर मरहम लगा रहे हैं? वो होने वाली पत्नी जिसकी जान की सलामती से ज्यादा आपको अपनी ईगो की पड़ी, वही वाली? हाँ तो मरी नहीं है, सिर्फ बेहोश हुई है। बकवास मत करो फालतू की, बेकार की बातें आप कर रहे हो भैया। सच में आपको ना अपने होने वाली पत्नी की नहीं अपनी इज्जत से प्यार है। आप ये चाहते हो कि आपकी शान का गुब्बारा है ना, वो बस हवा में उड़ना चाहिए, उसकी हवा नहीं निकलनी चाहिए, चाहे लोगों की कब्रें खुद जाएं, लेकिन वो गुब्बारा आसमान छूना चाहिए, वहां ऊपर उधर, ये चाहते हैं ना? आप लोग परेशान मत होइए, सिंपल पैनिक अटैक है, इसी वजह से ये बेहोश हुई है। डर की कोई बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? कोई डरने वाली बात नहीं है मैम, शादी ब्याह का माहौल है, नर्वस हो गई हैं, ऐसा हो जाता है। मैं कुछ मेडिसिन से लिख देता हूँ, जब ये होश में आए तो इनको दे दीजिएगा। कान्हा जी आपका धन्यवाद, हमारी बच्ची ठीक है। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। छाया जी आप चिंता मत करिए, मीरा अब हमारी बच्ची है, हम उसका ख्याल रखेंगे, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बहन जी अरे हम अपनी बच्ची को ऐसी हालत में यहाँ छोड़ के हमसे आराम नहीं होगा, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमारी बच्ची। सुनिए मम्मी पापा, आप लोगों को आराम की जरूरत है, और हम है ना यहाँ दीदी का ख्याल रखने के लिए। नहीं बेटा, मीरा को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं मम्मी, आपका बीपी वैसे ही बड़ा होता है, और ऐसे में तो और भी बढ़ जाएगा, आप लोग घर जाके आराम कीजिए, और वैसे डॉक्टर ने भी कह दिया ना कि सब कुछ ठीक है। बिट्टू ने सही कहा छाया, और फिर यहाँ सब और परेशान हो जाएंगे, घर चलते हैं। छाया जी आई, जी वो तमाचे दिखाई नहीं दे रहे, सब ठीक है ना? बहन जी वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, ऐसी चीजें देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, इसीलिए शीला ने जानबूझकर वहां से हटा दिया। झूठ बोल के अच्छा संभाल लेते हो चेट जी। हाँ 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 ये सही कह रहे हैं, आप चिंता मत करिए, हम है ना आई, आप आराम कर लीजिए थोड़ा आई। बेटा वो ख्याल रखना। हाँ जी मम्मी। ध्यान रखो शीला जी। माँ, 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 कहाँ हैं आप? माँ मेरा बेटा आराम से, हम हैं शीला,
गर्व की माँ। आंटी माँ कहाँ है? हमें तो बहुत जरूरी बात करनी है, आप बुलाइए ना उन्हें। माँ! अरे मेरा मेरा बेटा है, इससे एकदम से मत उठो, तुम वीक हो अभी। आंटी आप प्लीज उन्हें बताइए। हाँ हाँ बेटा, छाया जी अभी यही थी, वो डॉक्टर से बात करके आराम करने घर गई है, सुबह तक आ जाएगी। और इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ हमें बताओ, हम भी तो तुम्हारी माँ जैसी है ना। आंटी आप, हम आपको नहीं बता सकते, हमें माँ से बात करना बहुत जरूरी है, अभी बात करनी है और हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मीरा हमें घर जाना है। मीरा बेटा रुको, बेटा क्या कर रही हो बेटा? ये सगाई को लेकर या फिर जो कुछ हुआ उसे लेकर तुम चिंता कर रही हो तो फिक्र मत करो, सगाई हो जाएगी, हम दूसरा मुहूर्त निकलवा लेंगे पंडित जी से। नहीं आंटी आप समझ नहीं रही है, हम कैसे समझाएं आपको, हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम कर जी, हम कर जी को प्यार नहीं करते। आंटी बाहर से प्यार करते हैं और हम बाहर से ही शादी करना चाहते हैं, पता नहीं कोई गलतफहमी है या मिसकम्युनिकेशन है, हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि हम घर जी से शादी नहीं कर सकते हैं। मीरा तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बात कर रही हो? हाँ तुम बाहर से कैसे शादी के बारे में सोच सकती हो? हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि हम बाहर से शादी करना चाहते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, हम घर जी से शादी नहीं कर सकते हैं। नहीं हो सकती तुम्हारी शादी पार्थ के साथ। क्यों नहीं हो सकती है? हमने कहा ना हम उनसे प्यार करते हैं। ओ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? है तो अभी भी बता दो। और सबसे बड़ी बात, हमने उनसे खुद पूछा था जाकर कि वो हमसे शादी के लिए तैयार है या नहीं, और उन्होंने हाँ कहा था, आप जाके पूछ लीजिए उनसे। लेकिन हम घर जी से शादी नहीं कर सकते, घर जी से शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मीरा तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, समझे तुम? किसी से भी नहीं। लेकिन आंटी अब एक शब्द और ले। देखो बेटा तुम हम पे भरोसा करो, तुम ये बात किसी से मत कहना। हाँ तुम जो कुछ भी कह रही हो ना, अगर वो सच है तो वही होगा जो तुम चाहती हो। हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, बात हमारा भी बेटा है, जब तक हम नहीं कहेंगे तुम ये बात किसी से मत कहना। हाँ मीरा तुम्हें हमारी कसम, हमसे वादा करो बेटा, वादा करो। मैं हमारी कसम है, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी मीरा, वादा करो। ये वाह, ये तो सोचा था उससे दुगना मिल रहा है, यानी कि हम गलत नहीं सोच रहे थे, राजकुमारी की जान राजकुमार में नहीं तोते में अटकी हुई है। तो इस बात पे तो हम पूरे शहर से सट्टा लगा सकते हैं कि मीरा राम की होगी या श्याम की होगी। हमें घर से बात करनी होगी। हमने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा बर्ताव करोगे। इस तरह अपनी जिम्मेदारी से भागोगे। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपना लाइव तमाशा बनवाते हैं। ये चाहती थी आप? तमाशा? कैसा तमाशा? हमारी पत्नी हमारी ही सगाई ने हमारे सामने आते ही अंगूठी पहनाने से पहले बेहोश हो गई, ये तमाशा नहीं है तो और क्या है? तुम्हारी पत्नी? हाँ हमारी पत्नी, और वो हमारी रेपुटेशन और मान मर्यादा के साथ नहीं खेल सकती, उसे हमारे साथ रहने के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे।
उसकी खुशकिस्मती है कि गर्व ठाकुर के साथ उसकी शादी हो रही है। गर्व बेटा हम समझते हैं, पर इतना गुस्सा क्यों? थोड़ी तो समझदारी से काम लो। माँ समझदारी दिखाई इसलिए तो उसे कुछ कहा नहीं हमने। हम बता देते हैं माँ, मीरा को अच्छे से ट्रेंड कर दीजिए। बता दीजिए कि हमारे साथ कैसे रहना है, क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, हमारी पसंद नापसंद सब बता दीजिए। क्योंकि आज जो हुआ ना, हम फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम घर जी को प्यार नहीं करते, हम बाहर से प्यार करते। गर बेटा हम सोच रहे हैं कि पता नहीं, हमें लगता है कि ये लड़की हमारे परिवार के लिए सही है भी कि नहीं। तुम कहो तो शादी की तारीख थोड़ी आगे कर ले। नहीं, थोड़ा देख के सोच के फिर करेंगे शादी। और अगर नहीं पसंद आई लड़की तो कोई और लड़की देख लेंगे तुम्हारे। कोई और लड़की? क्यों कोई और लड़की पसंद कर लेंगे माँ? कार्ड छप चुके हैं, गर्व वेड मीरा, और नीचे तारीख भी लिखी हुई है, और वो तारीख पत्थर पे लकीर है। ना लड़की बदलेगी और ना तारीख। हम समझ रहे गर्व बेटा, गलत फैसला लेने से पहले अभी सोच लो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। माँ आप समझ ही नहीं रही हैं, हमने सबको इनविटेशन खुद अपने हाथों से दिया है। सब जानते हैं कि हम मीरा को कितना पसंद करते हैं। अब अगर लड़की चेंज हो गई तो आप जानती हैं क्या होगा? हाँ, सब हंसेंगे गर्व ठाकुर पर, कहेंगे कि इस लड़की ने गर्व ठाकुर को छोड़ दिया, इतनों को ठुकरा के उसने उसे चुना और उस लड़की ने किसी और को ही चुन लिया है। हम समझते हैं बेटा, लेकिन थोड़ा माँ प्लीज, हमने जो कह दिया है वो फाइनल, ठीक है? अब आप जाके एनर्जी उस पर लगाइए। हमारी शादी मीरा से होगी और जो फिक्स डेट है उस पर होगी। अब चाहे उसके लिए आप उसे दवाई खिलाइए या फिर उसकी टांगों पे प्लास्टर चढ़ा के उसे खड़ा कीजिए, हम नहीं जानते हैं। हमने जो कह दिया वो फाइनल है। हे भगवान, गर्व का मन तो अब बदलने से रहा, जिद पे आ गया है ये बस। अब तो पार्थ से बात करनी पड़ेगी हमें फौरन, पार्थ ही कुछ कर पाएगा। माँ आपने हमें बुलाया? पार्थ। माँ क्या हुआ, सब ठीक है? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? सच सच बताओ, तुम्हें मीरा कैसी लगती है? मीरा कैसी लगती? जैसे सभी लड़कियां लगती है वैसे लगती है। आप लोगों को पसंद है ना? बात खत्म। ऐसे नहीं, मीरा तुम्हें पसंद है। क्या बात कर रही हो माँ? गर्व भैया को अच्छी लगती है, आप लोगों को पसंद है, हमें क्या लेना देना है? देखो बेटा, तुम्हारे मन में अगर कोई भी लड़की है ना तो तुम हमें बता सकते हो। हम तुम्हारी माँ है, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? कैसी बातें कर रही है माँ आप? आप जानती है ना लड़कियों के चक्कर में हमने कितना सहा है, नफरत है हमें लड़कियों से, और अब हमें कोई लड़की पसंद नहीं आएगी, ना ही कुछ लेना देना उनसे हमें। हम घर जी को प्यार नहीं करते, हम बाहर से प्यार करते। हमारी शादी मीरा से होगी और जो फिक्स डेट है उस पे होगी। लड़कियों के चक्कर में हमने कितना सहा है, नफरत है हमें लड़कियों से। इसका मतलब पार्थ ने मीरा से कुछ नहीं कहा, पार्थ के मन में मीरा के लिए कुछ नहीं है, शायद मीरा को ही कोई गलत फहमी हुई है। कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर लेंगे। कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर लेंगे। सब ठीक? माँ कहना क्या चाहती है आप, क्या ठीक कर लेंगे? साफ साफ बताओ क्या चल रहा है आपके दिमाग में? पार्थ बेटा, गर्व ने इतने रिश्तों को ठुकराने के बाद मीरा को पसंद किया, पर अब परेशानी की बात यह है
कि मीरा ने शादी के लिए मना कर दिया। मना कर दिया? कब? क्यों? अभी कुछ देर पहले वो घर से शादी करना नहीं चाहती, पर बेटा हमें मीरा को मनाना होगा क्योंकि गर्व उसे पसंद करता है। मीरा से बात करनी होगी। अभी वो नहीं करना चाहती तो ना सही ना, जबरदस्ती क्यों करनी है? और वैसे क्या मरे जाने उसके लिए, गर्व भैया के लिए और लड़कियां मिल जाएंगी ना। नहीं, उसने मना क्यों किया और पहले हाँ क्यों बोली थी? वही तो, पूरे शहर भर में शादी के कार्ड्स बट चुके और अब अगर शादी नहीं हुई तो कितनी बेइज्जती होगी। हम घर जी को प्यार नहीं करते, हम बाहर से प्यार करते। बेटा एक काम करोगे हमारा, तुम मीरा से बात करो, मनाओ उसे। ये क्या कह रही हैं आप? हम क्यों करेंगे उससे बात? नहीं, हमें क्या लेना देना उसे, और वो हमारी क्यों सुनेगी? वैसे तो वो किसी की भी नहीं सुनती। एक बार बात कर तो लो, वो सुन लेगी। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? हम क्यों बात करें उससे? घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो उससे बात करें। नहीं, उसके मम्मी पापा है ना, वो उससे जाके बात करें। हम क्यों करें? बेटा हम उनके आगे जिद नहीं कर सकते, तुम हमारे अपने हो, हम तुमसे कह सकते। उसने अगर बड़े बुजुर्गों के मुंह पर मना कर दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तुम छोटे हो, तुमसे अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो बात संभल सकती है ना। अपने भाई की खातिर, हमारे परिवार की इज्जत के लिए तुम उससे बात कर लो। माँ, तुम्हें हमारी कसम, उससे बात करो और उसे मनाओ।